माशाल्लाह खजूरों की कमी थी वो भी पहुंच चुकी है और स्ट्रॉबेरी ने हर प्लेट में अपना हिस्सा डाल दिया है। ये देखें इधर भी बैठ गई है। और शहजाद भाई ने पता है क्या किया, केलों को ना ये देखें थोड़ा हशर नशर कर दिया है उनका। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखें एक और वैरायटी भी आ चुकी है और साथ में रत्ता पानी भी आ चुका है वो देखें। ओ माशाल्लाह गोगो बज गया, गोगो बज गया, गोगो गोगो बज गया है। ये पहुंच चुके हैं बाहर माशाल्लाह माशाल्लाह। चोरी बरी नहीं आई आपके पास? आ रही है। अच्छा चलो सही है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे साथ अभी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और साथ अभी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, नाइट व्लॉग मतलब इफ्तारी वाला जो व्लॉग होता है। सूरज अभी ये रुका हुआ है और हमने अभी असर की नमाज अदा की है। तो अब जो घर का प्रोग्राम है, क्या क्या पका रही हैं, कैसे कैसे बना रही हैं, सारा निज़ाम आपके साथ शेयर करते जाएंगे जब तक इफ्तारी नहीं हो जाती। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर, उसके बाद चलते हैं मज़ेदार वीडियो की जानिब। लेट्स गो। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर खाना हमारा सालन बन चुका है। धुआं धुआं, वाह जी वाह माशाल्लाह। इसे बोलते हैं असल बड़ा गोश्त, वो भी कटे का। सही हो गया। चलो जी बंद करते हैं इसको, फिर जब खाएंगे दिखाएंगे। इधर देखें जी काला आया है, आने की कोशिश करता है लेकिन फिर भाग जाता है। ये नीचे उतर है, ये आ गया। ये बाप और बेटा सेम है। ये देखें ये बड़े वाला हो गया और वो छोटे वाला हो गया। ये भाग जाते हैं, अभी डरते हैं थोड़े। सही है। पता है क्या, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि बस्ती में कौन से भाई ने कौन सा इफ्तारी का माहौल बनाया हुआ है। अभी तो टाइम को देर है लेकिन सालन वगैरह तो वाज़े है कि पक रहा होगा। अभी चलते हैं जी भाई लोगों के पास और उनसे करते हैं दुआ। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है, खुश हो, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है, खुश हो, तबीयत से ठीक है? अमन माशाल्लाह। रोजे रख दे पिया माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलें जी आप इधर रुके हुए हैं, कोई बात नहीं, सुबह जाएं तो फिर मुझे बता दीजिएगा। ओके बेस्ट ऑफ लक बोल दो। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक के शुक्र और करम के साथ पहुंच चुके हैं इधर और यहाँ पर। खैरियत है, खुश हो, अस्सलाम वालेकुम। बता क्या है? अब्दा अम्मा खैरियत है, खुश हो, तबीयत ठीक है? अलग चीज है नमाज पढ़ने के बाद फ्रूट वगैरह खा लेते हैं, इफ्तारी कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद फिर तसल्ली से बैठ के इतना खाते हैं कि सारे कसर निकाल देते हैं। सही है माशाल्लाह। खाओ पियो रोजा भूख तो लगती है ना, ऐसी बात खाने पीने के बगैर तो नहीं गुजरते। अभी तक तैयारी नहीं बनाई? नहीं हम तो रख दिए हाली। पक्की हुई है? नहीं पकाई नहीं जाता नहीं। अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह जी। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम कैसे कैसे बनाया गया। इधर तो कोई प्रोग्राम फिलहाल नहीं है। इधर पहुंचने वाले हैं जी, सबसे पहले पहुँचेंगे हम असगर भाई के यहाँ और काफ़ी दिन हो गए हैं उनसे मुलाकात नहीं हुई है, उनसे मुलाकात करते हैं, देखते हैं उनकी रौनकें कैसी होती हैं, मतलब वो कैसे तैयारियाँ करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, क्या क्या बनाते हैं, उनसे मालूमात लेते हैं। इधर गुड़िया बैठी होगी बस, और तो कोई नहीं है। वाकई आलू मच्छर बना रहे हो? ओके करो। इधर जी आलू मच्छर बना रहे हैं माशाल्लाह। तो बाकी
भाभी ने नमाज पढ़ ली। इधर जो है ना भाभी नमाज पढ़ रही है और अभी हम चलते हैं वापस, फिर कभी चक्कर लगाएंगे क्योंकि अभी हर कोई बिजी होगा इस टाइम ना, फायदा ही कोई नहीं किसी के घर में जाने का। ओके घर चलते हैं और फिर इंशाल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी। प्यारा भी टाइम होने में बस थोड़ी सी देर है, आई मीन 15-20 मिनट बाकी है। और इधर तौफीक और मेरा बड़ा शहजादा, हेलो उधर चलो बाहर, पता है क्यों थोड़ा काम है वो करवाना, जल्दी आ जाओ। चलें जी चलते हैं और बाहर वहाँ का माहौल कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहुँच चुके हैं बाहर, माशाल्लाह माशाल्लाह। चोरी वोरी नहीं आई आपके पास? आ रही है। अच्छा चलो सही है, आ रही है सही है सही है। फ्रेश फ्रेश करो, पकोड़े को कहाँ से साथ लगाई, वो जो रखा है वो ले आओ बाहर ले आओ। शाबाश शाबाश, आप आ जाओ सरदार तंगरल साहब बैठो। ये भी ले आया जी माशाल्लाह। तो व्यूअर अगर किसी ने हमारे साथ आके इफ्तारी करनी हो तो जल्दी पहुंच जाओ क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और हम इधर तैयारी बना रहे हैं, आप आके खा लेंगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर माशाल्लाह ये देखें काटवट का दिया शहजाद भाई ने, जिस कदर स्ट्रॉबेरी की सेटिंग की है ना यकीन करें बस अच्छी की है। अमरूद भी कट हो चुका है और साथ में माल्टा भी, सेब भी, केला भी, वो क्या है पकोड़ा स्ट्रॉबेरी वगैरह। वो खरबूजा किधर है? खरबूजा सिद्दीक जो है ना वो अभी तक सो रहा है, आज बेचारा सो गया क्योंकि इस टाइम वो जो रौनक लगाता है वो अलग होती है, लेकिन आज बेचारा सो गया है। कोई नहीं उठ जाएगा तो फिर सारी रात जागता रहेगा है ना, खाता भी रहेगा। हाँ मैं नहीं सोने देगा और माशाल्लाह खाता अच्छा खासा है, मेरी तरह थोड़ा थोड़ा खाता है लेकिन थोड़ा थोड़ा खाता है लेकिन वो ये है कि खाता रहता है मेरी तरह। तो माशाल्लाह जी इधर देखें खरबूजा भी तैयार शुद्ध, अब ऐसे जायके लग रहे हैं ना, ऐसे जायके लग रहे हैं अल्लाह माफ़ करे कैसे जायके लग रहे हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। खजूरों की कमी थी वो भी पहुंच चुकी है और स्ट्रॉबेरी ने हर प्लेट में अपना हिस्सा डाल दिया है। ये देखें इधर भी बैठ गई है और शहजाद भाई ने पता है क्या किया, केलों को ना ये देखें थोड़ा हशर नशर कर दिया है उनका, मतलब कट कट कर दिया। इधर अकेली स्ट्रॉबेरी, इधर भी अकेली, इधर पकौड़े और पकौड़े के ऊपर स्ट्रॉबेरी रख दी। अरे यार वो नमकीन है वो मीठी होती है, वैसा नहीं करो, उसके ऊपर भी नमक लगता है। हाँ नमक लगा के ना खाई जा रही हो ना, नमक लगा के खाओ बंदा इजीली खा सकता है। अबू जान दुआ मंगवाएं, टाइम तकरीबन हो गया है, दुआ कर लें फिर इंशाल्लाह अजानें भी हो जाएंगी। اللهم رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين میرا اللہ میرا اللہ تیسرے روزے کی افطاری ہے میرا اللہ جو کچھ حاضر تمام سارا کچھ جو کچھ حاضر ہے میرا مولا یا اپنے بار بہتر مجھوں سے مجھوں روزے داریں دے روزے قبول فرما میرا مولا مدنی لاج پاک دے صدقے ہر تے رحمت فرما میرا مولا میرا اللہ میرے بیٹے دے گھر تے رحمت دے نزول فرما میرا مولا کہیں سے دم محتاج نہ کر میرا اللہ اپنے گھر کا محتاج کر میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ سارے میرے بیٹے کو میرا اللہ انہیں افطار کرنے کی توفیق دے میرا اللہ روزے کھانے میرے مسلمانوں دے کھانے
मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह के मोमिन मर्द होना, मेरा अल्लाह जो इस सारे वास्ते रकम भेजन तमाम गरीबों वास्ते बटाने वास्ते, मेरा अल्लाह नेक महीने सदका हट रहमत करना, मेरा अल्लाह जो बीमार हैं तो शिफाए कामिल अता फरमा, जो कर्जदार हैं तो कर्ज दूर फरमा मेरा मौला, तमाम मुसलमान तो रहमत फरमा मेरा मौला, अल्लाह ताला खैर खल्क ही सैयदना मुहम्मद व अली व सहाबी ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह जी, दुआ हमने मांग ली है अल्लाह पाक के फजल करम से, और अभी सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं जी हम, आसपास बताएंगे लोग, क्योंकि अभी अभी 5 मिनट पूरे बाकी है, 5 मिनट, तो थोड़ी देर बाद फिर बात करते हैं। अभी ऐसे बैठे रहेंगे, आप भी बोर, हम भी बोर, कोई नहीं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखें एक और वैरायटी भी आ चुकी है और साथ में रत्ता पानी भी आ चुका है, वो देखें। ओ माशाल्लाह, गोगो बज गया है, गोगो बज गया है, गोगो करामत है, गोगो बज गया है। अभी हम अपनी मस्जिद में नहीं हुआ, अपनी मस्जिद वाला उस्ताद बोलेगा, फिर हम खाना पीना शुरू करेंगे। ओके, हाँ, सब्र सब्र करो यार, सब्र करो, एक सब्र, रुको जरा, हाँ रुको जरा, सब्र करो। ये खाने वाने देख के दिल नहीं करता रुकने को, लेकिन कोई नहीं, रुकना तो पड़ेगा। आ गया, ओके जी, ओके। फैली वीवर, ये देखें बड़ा गोश्त कट्टे का हम शुरू करके खा रहे हैं माशाल्लाह से, और आपने अगर हमारे साथ बैठ के ये वाला कट्टे का गोश्त खाना हो तो आ जाओ, क्योंकि इफ्तारी के टाइम जो जब इफ्तारी होती है ना, उस टाइम तो हम फ्रूट वगैरह छोटा मोटा सामान खा लेते हैं, बड़े वाला तो नमाज के बाद शुरू करते हैं ना। अभी शुरू किया है, आप पहुँच जाए, कैसा पका है शहजाद भाई? बड़ा मज़ेदार है यार, खाओ फिर, वो रोटी को रहने दो, इधर जितना खाना है कटा खाओ, पूरा कटा खाओ। हाँ, हमने माशाल्लाह 2.5 किलो कटा लिया था, मजा दे रहा है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर, खाना वाना खा लिया है, अजान हो रही है, तो चलते हैं नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे, तो फिर आपसे बातें भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे, मीठी मीठी गुफ्तगू होगी हमारी, आपके कमेंट्स वगैरह भी पढ़ेंगे। और ये सदीक ने ना इधर उधर कर दिया, अजान हो रही है फिर बात होती है, ठीक है। वो गिर गया, वो गिर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब ठीक है, तबीयत सेहत सबकी ठीक है, मेरी ठीक नहीं है आज थोड़ी सी, क्योंकि चेंजिंग हो गई है ना खुराक की, मतलब सहरी के टाइम खाना, फिर मगरब के टाइम खाना, इशा से पहले खाना, कुछ ऐसे ही, तो कोई नहीं, सेटिंग हो जाएगी। और मैं आज कमेंट्स वगैरह भी नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उसका रीज़न ये है तबीयत डाउन होने की वजह से। हाँ जी, नक दको का गिर गया है। अच्छा जी, तो अब्बू जान ने कहा था कि मैं आज की रात हूँ इधर, फिर मैंने चले जाना है, तो इसलिए मैंने लिख दिया था अब्बू जान का हमारे साथ आखिरी खाना, लास्ट खाना हमारे साथ, फिर भी खाएंगे, मौके की बात होती है कि अभी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो असल में बात यह है कि हम नहीं रोकते, आते हैं, कभी इधर आ जाएं। काफ़ी सारे लोगों ने सवाल किए थे कि अब्बू जान इधर क्यों रह रहे हैं, अल्लाह के बंदे अब्बू हैं मेरे, मैं उनका बेटा हूँ, और उनका दिल करता है आमने सामने घर हैं, कुछ दिन इधर गुजारेंगे, कुछ दिन उधर गुजारेंगे, फिर कुछ दिन अकरम भाई के यहाँ, कुछ दिन असलम भाई के यहाँ, कुछ दिन अस्कर भाई के यहाँ, ऐसे उनका दिल करता है जहाँ पर वो गुजार लेते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। और दूसरी बात क्लियर कर दूँ, वो ये है कि बुज़ुर्ग जो होते हैं, एक तो आपको पता है वो जान को शुगर है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें होती है ना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, चलो इधर से मेरे घर से गुस्सा होते हैं ना थोड़ा सा, तो अहमद भाई के घर में चले जाते हैं, फिर कुछ दिन जब तबीयत सेट हो जाती है तो फिर उधर से मतलब चलते हैं किसी और के घर में बैठ जाते हैं, ऐसे ही निज़ाम है, चल रहा है। अब्बू जान है, क्या कहें, कुछ भी नहीं कह सकते, वो आए, जगह बना दी, सो रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, जो भी हमसे खिदमत हो रही है हम कर रहे हैं, ठीक है।
तो जब अब उनका दिल कह रहा है वापस जाने को, वो अहमद भाई के घर में चले जाएंगे। इसी वजह से घबराया ना करें, चाहे वो असलम भाई के यहाँ रहें, चाहे असगर भाई के यहाँ रहें, चाहे अकरम भाई के यहाँ रहें, चाहे अहमद भाई के यहाँ रहें, चाहे आज हमारे घरों में जहाँ भी रहें, हमें टेंशन नहीं होती। लेकिन कभी कभार कुछ ज़्यादा ही हाई गुस्सा हो जाता है तो हमारे घरों से हट कर किसी और जगह पे चले जाते हैं, तो फिर थोड़ा हमें टेंशन होती है। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि अभी गुस्सा आता है तो पास ही बैठ जाते हैं। ये जी बात है, और अल्लाह पाक हमेशा इसी तरह अबू जान के ऊपर गुस्सा तारी रखे। गुस्सा इसलिए कि अच्छा लगता है जब वालदैन गुस्सा करते हैं, हमें महसूस होता है कि अबू जान अम्मी जान हम पे राज़ी हैं। इसका रीज़न ये होता है कि गुस्सा बंदा वहाँ करता है जहाँ पर उसकी हुज्जत होती है, वहाँ पर कभी गुस्सा नहीं करता जहाँ पर उसकी हुज्जत ना हो, वो बेफायदा जाता है। इसलिए गुस्सा किया जाता है ताकि वो मना लेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह अल्लाह पाक इनको हमेशा ऐसे गुसीला रखे और तंदुरुस्त रखे। अल्लाह पाक इनको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, जहाँ भी रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आज ये दिन में गया था सो, अभी 10 बजने वाले हैं। अबू 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 हाँ जी जी जी, क्या है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप सबके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। अभी मुझे इजाज़त दें क्योंकि मेरा बेटा को थोड़ी तकलीफ़ हो रही है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो बेचारा उधर बंधा पड़ा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, दुआ में याद रखिएगा और हमारे वालदैन के लिए दुआ कीजिएगा। हम भी आप सबके लिए दुआ करते हैं, आपके वालदैन के लिए दुआ करते हैं। तो रमज़ान मुबारक के महीने में खसूसन हमारे लिए दुआएँ ज़रूर करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।